भैंस छतरी देख के चिमक जाती है, अपना रंग देख के नहीं। और इस सदन में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी और एक एक किसान को उसके MSP का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। मैं तो एक चीज जरूर अंत में बोलूंगा, परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि APMC एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि APMC एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमणी गावे अचल पथ। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, NDA ने लाने का काम किया। मरे सदन में खड़े होकर कहते कि हाँ, इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितेशी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, BPTP किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही, गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा मगर 10 साल ये नारा लगा कि उड़ा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में, किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रिक्योर जो करी है, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें MSP पे प्रिक्योर करने का काम किया है। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों में, पिछली बार कोविड में 1,825 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई है, इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके पूरे मूल का हमारी सरकार करने का काम करे। परसों और आज देखने को मिली हमारे विपक्ष के साथियों में, वो मेयर फ्रस्ट्रेशन है और धीरे धीरे कर अपनी पोल खोलने का काम किया। परसों बत्रा जी ने बात रखी कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग हुड्डा जी ने 2014 में इंट्रोड्यूस करी। आज हुड्डा जी ने खुद सदन में किताब पकड़ने के बाद जब अभय सिंह यादव जी ने कहा कि APMC एक्ट की सिफारिश भी आपने करी, फिर छाती पीट के कहा कि APMC एक्ट की भी सिफारिश हमने करी। मुझे एक चीज तो बताओ, एक कहावत है मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुंह लाए डूमणी गावे अचल पथ। धीरे धीरे कर अपनी सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से इन लोगों ने इन कृषि कानूनों को देश की जनता के आगे पहले काला कानून बताया और फिर किस तरीके से मिसरिप्रेजेंट किया
कि ये कानून तो केंद्र ने लाने का काम किया, एनडीए ने लाने का काम किया, मरे सदन में खड़े होकर कहते हैं कि हाँ इसकी पहली सिफारिशें मेरे द्वारा करी। अध्यक्ष महोदय, अगर कृषि क्षेत्र के इतने हितेशी ये लोग थे तो इनको वो 10 साल भी याद रहने चाहिए जिसके अंदर सेक्शन 4, सेक्शन 6, फिर सेक्शन 9 और फिर एक्विजिशन का जब समय आता था तो निर्णय बदल लिए जाते थे और किसान की जमीन जब प्राइवेट बिल्डरों के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो रिलीज कर करोड़ों का मुनाफा किसको दिया जाता था। मैं पूछूं सवाल, बीपीटीपी किसकी कंपनी है बताइए? प्रदेश के अंदर ग्रीन बेल्ट में किसके पेट्रोल पंप लगे बताइए? रिलायंस को 1000 एकड़ जमीन किसने एक्वायर कर जबरदस्ती किसानों से देने का काम किया? अध्यक्ष महोदय, 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इस तरीके से 10 साल में लूटने का काम किया। अनूप जी ने ठीक बात कही, गीता बुक्कल जी परसों प्रेज करी थी, अभी सदन में नहीं है, कि उड़ा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो राज में एक बार नारा लगा होगा मगर 10 साल ये नारा लगा कि उड़ा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में, किसान को ऐसे लूटा गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले 1 साल में 2 फसलें प्रिक्योर जो करी हैं, खरीफ की और रबी की, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है, 2% आबादी देश की है, फिर भी 30,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की फसलें एमएसपी पे प्रिक्योर करने का काम किया है। और हम आज भी कहते हैं, आप 1 अप्रैल से देखिएगा मंडियों, पिछली बार कोविड में 1850 सेंटर बनाए थे, किसी किसान को रात को गेहूं लेके मंडी में नहीं सोना पड़ा। इस बार भी वो व्यवस्था बनाई, इस बार भी प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाते हैं कि जब आप मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, जैसे ही आपका जे फॉर्म कटेगा 2 दिन के अंदर आपके खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपके पूरे मूल का हमारी सरकार करने का काम करे। इस प्रदेश का क्या हाल था? मैं तो गीता बुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई, मुझे भी दुख। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर अगर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान खोता है, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके प्रति। मगर ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं मारुति के अंदर जाकर लाठी चार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया, हमने सहानुभूति के साथ जरूर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन प्रदेश में रहे संभाल के हमने कदम उठाए। और आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का काम हमारी सरकार का। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, बात क्या करी कि ये हो गया ऐसे हो गया, मैं इनसे पूछता हूं, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे, नहीं उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़िया फेंकने का काम किया, किसकी गाड़ी में जूते फेंके गए? आप उनको बोलने दो, जवाब लोगों का विरोध जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर शाही नहीं फेंकी गई थी? विरोध करना सबका अधिकार है, मगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाए तो बेहतर। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ, दिन किसी के पक्के नहीं है, ये कोई कुर्सी और विधानसभा की सीटी किसी की बापोती नहीं है, ये तो आज किसी की है कल किसी और की होगी। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूँ, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ।
कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े होकर कहा कि प्रदेश से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कल आंसर दिया गया, और इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है। जीरो इंडस्ट्री हैज मूव्ड आउट ऑफ हरियाणा, बल्कि आपकी शासित राजस्थान के अंदर 479 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपका शासित पुडुचेरी था, छोटा सा राज्य, 31 कंपनियां छोड़ के भागी। आप खुद डाटा उठाकर देखिए, जब इस हाउस में चर्चा करें बात क्या करी कि ये हो गया, ऐसे हो गया। मैं इनसे पूछता हूं, आपकी भी सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, पानीपत के अंदर किसके मुंह पे थप्पड़ पड़ा था? 2016 के अंदर तो आप विपक्ष में थे। नहीं, उनने कहा गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा, पर्सनल तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। 2016 के अंदर रोहतक के अंदर डी पार्क में किसके ऊपर चूड़िया फेंकने का काम किया? किसकी गाड़ी में जूते फेंके गए? आप उनको बोलने दो, जब आप बोल रहे थे तब का विरोध जरूर होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्या उनके ऊपर शाही नहीं फेंकी गई थी? विरोध करना सबका अधिकार है, मगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाए तो बेहतर। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं, दिन किसी के पक्के नहीं है, ये कोई कुर्सी और विधानसभा की सीटी किसी की बापोती नहीं है, ये तो आज किसी की है कल किसी और की होगी। मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं, मगर कई बार लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं जो वो भूल जाते हैं उनके समय में क्या हुआ। कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े होकर कहा कि प्रदेश से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है। ये फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट कल आंसर दिया गया, और इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है। जीरो इंडस्ट्री हैज मूव्ड आउट ऑफ हरियाणा, बल्कि आपकी शासित राजस्थान के अंदर 479 कंपनियों का पलायन हुआ है। आपका शासित पुडुचेरी था, छोटा सा राज्य, 31 कंपनियां छोड़ के भागी। आप खुद डाटा उठाकर देखिए, जब इस हाउस में चर्चा करें।